Welcome to all your chapter 4 basic geometrical ideas exercise 4.6. We are here to discuss question number 1, which is related with the circle. We all know a circle is having the center. Okay, how it is defined? Center, आपके सारे पॉइंट्स, ऑल सेट ऑफ पॉइंट्स जो आपके इक्विडिस्टेंट होते हैं फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज नोन एज योर सर्कल एंड दिस फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज योर सेंटर. तो अगर आप फिगर पे चेक करें तो कौन सा पॉइंट आपका सेंटर होगा? ओ. सो योर सेंटर ऑफ द सर्कल इज पॉइंट ओ. पॉइंट ओ. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज 3 रेडियस. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज रेडियस. किसी भी सर्कल में जो आपका रेडियस होगा, दैट इज द पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस. जितने भी आपके पॉइंट्स होते हैं सर्कमफेरेंस से, जब आप उनको सेंटर से जॉइन कर देते हैं, सो दिस इज इक्वल टू रेडियस एंड ऑल द रेडियस आर इक्वल. सो यहाँ पे अगर आप फिगर चेक करते हैं तो रेडियस आपका हो जाएगा ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, बिकॉज ए बी सी आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस विच आर जॉइन टू द सेंटर. तो आपके 3 रेडियस हो जाएंगे. A, you can start from O only, that is, we can rub this one, it is just for making you things more clear. Radius aapke ho jayenge AO, or you can write OA, OB and OC, okay. Now, a diameter. Diameter aapka wo line segment hai, जो आपका सेंटर से पास होगा. अगर आप इस फिगर में देखें तो एसी ही आपका सेंटर से पास हो रहा है एंड हैविंग इट्स एंड पॉइंट कहां पे? उसके एंड पॉइंट से सर्कमफेरेंस पे. तो आपका डायमीटर हो जाएगा एसी. इट इज अ लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर. ओके, नाउ डायमीटर इज इक्वल टू एसी. कॉर्ड, कॉर्ड देखिए आपका यहाँ पे ईसी है, ई डी. योर कॉर्ड इज इक्वल टू ई डी. कोई भी लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट्स आपके सर्कमफेरेंस पे है वो आपका कॉर्ड हो जाएगा. योर डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड. तो आपने यहाँ पे ईडी लिख दिया, राइट. देन 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर. इंटीरियर का मतलब होता है वो पॉइंट्स जो आपके सर्कल के अंदर हो. तो अगर हम इस बात सर्कल को चेक करें तो यहाँ पे जो पॉइंट ओ है और पॉइंट पी, सो 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर इज पॉइंट ओ एंड पॉइंट P. You can write here point O and point P, right? A point in the exterior. Exterior का मतलब होता है outside the circle. So here a point in the exterior of circle. यहाँ पे कौन सा point circle के बाहर है? That is point Q. This is point Q, right? Now a sector. Sector ध्यान दीजिए, किसी भी circle में जो आपका sector होगा, that is the area. Area bounded by 2 radius and an arc. ये आपका होगा sector, right? So यहाँ पे sector आपका क्या हो जाएगा? A O B. So here it will be sector is equal to A O B, right? Sector is equal to. Now the last thing asked is a segment. Segment आपका होता है, देखिए अगर ये आपका circle है और आपने एक chord draw किया. This is your major segment and this is your minor segment. Major segment होता chord और major arc. Major का मतलब big. और minor segment होता chord and minor arc. Okay? Arc यहाँ पे. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं A B C. Your segment is A B C. यहाँ पे कोई point नहीं है, नहीं तो हम उस point को भी लेके आपको एक यहाँ पे ये A B C आपका means compared to ED and this portion, shaded portion, it is a major segment. So this is how we come to the following definitions of the circle. Thank you.